ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। आइए यहाँ पर। सो मान के चलिए कि आपके पास एक चार्ज है। यहाँ चार्ज का नाम हम देते हैं प्लस कैपिटल क्यू, और इसको हम बुलाएंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, सो सोर्स चार्ज को हम प्लस कैपिटल क्यू बुला रहे हैं। ठीक है, और इससे सोर्स चार्ज से थोड़ी दूरी पर एक और चार्ज रखते हैं, और वो चार्ज को हम बुलाते हैं क्यू। ठीक है, और उस क्यू का डिस्टेंस हम दे देते हैं आर वन। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आएगा कि अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है उसमें एक चार्ज पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज और दूसरा एक और चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर वन। तो नेचुरली इन दोनों के बीच में कूलम का फोर्स डेवलप हो जाएगा, और उस फोर्स को हम वैल्यू देंगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज, दूसरा वाला चार्ज क्यू, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर वन और उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर वन बोल रहे हैं इसीलिए चलो हम इस फोर्स को एफ वन बुला लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ज को, ये क्यू वाले चार्ज को सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर लेके जाती हूँ, दूर लेके, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब आप बताइए कुछ बदलेगा? 1/4πε0 वही रहेगा, सोर्स चार्ज वही रहेगा, क्यू भी वही है, क्या बदल गया? बिल्कुल सही, बाकी सब चीज़ें बेशक ना बदली हों, लेकिन एक चीज़ बदली है, और वो बदली है सोर्स चार्ज और क्यू के बीच की दूरी, जिसको हम बुला रहे हैं अब आर। और ये आर बदलने के कारण अब जो नया फोर्स आएगा F2, वो बन जाएगा 1/4πε0 सोर्स चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्लियर समझ में आता है कि ये कांस्टेंट सोर्स चार्ज और दोनों चार्जेस भी वही हैं, दोनों केसेस में क्या बदल रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस और फोर्स की कैसी प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि एफ की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ, आर के स्क्वायर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा या F2 ज़्यादा होगा, उसके लिए आप देखो कौन सा फोर्स दूर है। सो दूर कौन सा फोर्स लग रहा है, किसका आर बड़ा है। सो क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है, तो F2 की वैल्यू F1 से कम होगी। अगर आपको ये समझ आ गया, सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। और ये बात हमको दिमाग में बैठ गई कि जैसे जैसे ये वाला चार्ज इस सोर्स चार्ज से आप दूर करते जाओगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, कम और कम और कम होता जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन का था, मान लीजिए यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 5 न्यूटन का हो गया, आगे आते 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 हो सकता है यहाँ पर जो फोर्स हो वो इतना कम हो कि आप उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या टेंडिंग टूवर्ड्स 0
इतना छोटा बन गया कि आप बोल सकते हैं कि फोर्स ना के बराबर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? सो जैसे जैसे सोर्स चार्ज से आपके चार्ज की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, दिख रहा है? और एक जगह आएगी जहाँ पर फोर्स की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है?